शादी बूंदी के साथ हो रही है, पर हुई बूंदी के साथ नहीं है, महुआ के साथ हुई है शादी। तो वही अब महुआ कैसे यकीन दिलाती है, क्योंकि महुआ जो है बूंदी को जाके बंद कर देती है कमरे में और खुद मंडप में बैठ जाती है दुल्हन का जोड़ा पहन के, घूंघट डाल के। सो यस, बहुत बड़ा ट्विस्ट है कहानी में हमारी, और आई एम वेरी श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो राधे की भी वापसी हो गई है शो में, क्या कहेंगे? यस, वापसी हो गई है, लेकिन अभी हमारे परिवार वालों को पता नहीं है कि राधे वापस आ गया है, जिंदा है राधे। सिर्फ महुआ को पता है, और ये भी नहीं पता कि राधे मिल गया है या नहीं। सो यस, वो बहुत बड़ा ट्विस्ट है हमारी कहानी में। अब कैसे राधे आएगा, कैसे सबको पता चलेगा, कैसे ये इतना बड़ा खुलासा होगा, सो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो अधिराज का यहाँ पे कितना अधिराज की का यहाँ पे बहुत है कि अधिराज आपके सामने है। हाँ, वही बोली जो जो बोला था ना, मैंने वही बोला। क्वेश्चन क्या है? हाई ड्रामा हो रहा है, बहुत हाई ड्रामा। मौवा जब भी आती है तो बड़ा ड्रामा होता है ना। ये देखो, देखो ये आ गई। अधिरा से चिपकी रहती है, तलाक देने में तुमको क्या दिक्कत है? जब बहुत बहुत दिक्कत है, इतना बड़ा है, हाई ड्रामा हो रहा है, मेरी कोई सुनी नहीं रहा। पद्मा जी मेरी बजाती ही जा रही है, बजाती ही जा रही है। yes. पद्मा के सामने किसी के नहीं चलेगी ना, कोल खोल के रख दूंगी। बेसिकली अभी ये शादी हो रही है, अभी ये शादी शंभू की किससे हुई है, ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट है ये एपिसोड का। और हम खुलासा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बिलीव नहीं कर रहा है, कोई हम पे विश्वास नहीं कर रहा है ना महुआ पे, सब महुआ की अगेंस्ट ही जा रहे हैं। तो महादेवी है जो आके महुआ को बचाएंगे। लेकिन कैसे मानेंगे, हर बार तो तुम लोगों ने झूठ ही बोला है, जब कोई बात बोली हर बार झूठ साबित हुआ है। हम लोग नहीं मानते इन दोनों की बात से ना, इन लोगों के ऊपर से भरोसा उठ। देखा, मैंने तुम्हें बोला था बोल देना सच ना, बोल दूंगी, बस सच आएगा सबके सामने जब राधे जी आएंगे तब। ठीक है, राधे भी आ जाए, राधे आएगा, पढ़ा है लेकिन मुझे बताना नहीं है पहले से कि राधे राधे आ रहा है। राधे आ रहा है क्या? राधे शायद आ रहा है। थैंक यू सो मच। अब ये शंभू की शादी बूंदी से हो रही है, लेकिन आधी शादी किसी और से होगी, आधी किसी और से होगी, तो ये पता चलेगा कि हमारे साथ कि अधिराज का ये सब किया धरा है जो इधर खड़ा है, या मतलब महुआ की कुछ शरारत है ये आ गया। तो ये आधे से ज़्यादा झूल तो इसका किया हुआ है। तो बाकी हमें पता ये चला है कि आधी शादी जो है महुआ से हो रही है, और आधी शादी किसी और से हो रही है, और मंडप पे कोई और बैठा है, निकलेगा कोई और। मतलब ये क्या इसको बोलेंगे कि चक्कर पे चक्कर पे चक्कर, मतलब दिमाग घन चक्कर कर देगी ये पूरी कहानी। अब ऐसी आने वाली मंडप पे कुछ ड्रामा भी कर रही है बूंदी जी। बूंदी से ज़्यादा महुआ ड्रामा करेगी ऐसा लगेगा हम सब लोगों को, कि बूंदी से ज़्यादा महुआ ड्रामा करे, लेकिन जो है महुआ ड्रामा नहीं, वो सच कर रही है। और बूंदी बाद में पता चलेगा कि क्या कर रही है, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं बूंदी क्या कर रही है। तो हमारे बीच में जो अभी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि शादी कब किसकी कहाँ किसके साथ होगी, पता नहीं। अभी महुआ ने ऑलरेडी दो शादियां कर ली हैं, और आदिराज जो है वो अब सुधर चुका है, मेरा प्यारा बच्चा बन चुका है अब, तो अब वो आके इस ड्रामे को तोड़ेगा, क्या करेगा, इसी सब के अंदर घुसे हुए अभी ये नथ, पूरा का पूरा ड्रामा जो चल रहा है। चलिए, थैंक यू। शादी का सीक्वेंस है, लेकिन दुल्हन अलग है, चेंज करती है। जी, शादी का सीक्वेंस है, बट जिस तरह शादी हो रही होती है बाद में पता चलता है वो है ही नहीं। जी, काफ़ी टर्न एंड ट्विस्ट है, बिकॉज राधे भी वापस आ रहा है, एंड शादी किससे हुई है ये मुझे पता भी नहीं है। सो दैट्स देयर, महुआ है या महुआ है या बूंदी है, मेरे हिसाब से बूंदी है, बट महुआ के हिसाब से उन्होंने की है। लेकिन शादी का कितना मुश्किल या आसान होता है शादी सीक्वेंस शूट करना, अंजाम होता है काम? मुझे तो बस ये मुश्किल लगता है, बाकी तो इट्स फाइन। शूटिंग करना हर चीज़ वो है, नॉर्मली है, सीक्वेंस है एक तरह से। आई डोंट थिंक शादी का सीक्वेंस इतना टफ है, आई थिंक डायरेक्शन टीम के लिए हो सकता है।
टेक्निकल हो सकता है बट रेटिंग भी है जैसा आपने कहा अच्छी है तो हाँ आई होप ऐसे लोग देखते रहें प्यार देते रहें ड्रामा तो बहुत है एक्चुअली बूंदी काफ़ी खुश है कि उसकी शादी शंभू से होने वाली है फाइनली एंड लेकिन इस शादी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं बहुत सारे चीज़ें और फाइट होने वाली है हवा और बूंदी के बीच सो देखते हैं आगे क्या होता है राधे की भी वापसी हो गई है शो में क्या कहना चाहिए राधे की वापसी हुई है वैसे हम सब काफ़ी खुश हैं बट बूंदी के तौर पे बूंदी बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि राधे आ गया है सो अभी बूंदी के लिए बहुत डिफिकल्ट है राधे को कन्विंस करना कि वो शंभू से शादी करना चाहती है बीच में मंडप के ऊपर भी आपका ड्रामा चल रहा था कि आग में कूद जाए तो वो क्या था सो जैसे कि आपने देखा कि मोस्टली शादी बूंदी की हो गई है लेकिन काफ़ी लोग ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे सो अभी देखते हैं क्या होता है देखते रहिए ना जेवरिया जंजीर रात 8 बजे वापसी तो हुई तो बड़ी खुशी हुई है और काफ़ी धमाकेदार वापसी हुई थी क्योंकि मेरी याददाश्त जा चुकी रहती है राधे की याददाश्त चली जाती है तो किडनी चाहिए होती है शंभू को तो महुआ जैसे तैसे मुझे छुपाकर इस घर में लाती है और उस समय महुआ और शंभू मुझे दोनों नहीं देख पाते हैं क्योंकि मेरे चेहरे पर कीचड़ लग जाता है तो मुझे पहचान नहीं पाते हैं तो मैं थोड़ा सा अपना लुक चेंज कर लेता हूँ ताकि घर वालों को पता ना चले और महुआ को मुझे छुपाना है सभी फैमिली वालों से क्योंकि बूंदी और पतिराज किडनी नहीं देना चाहते थे तो इस वजह से वो मुझे छुपाती है एक मैं नौकर का गेटअप ले लेता हूँ जिसका नाम रहता है कन्हैया तो एंट्री काफ़ी धमाकेदार थी और काफ़ी कॉमेडी था सब कुछ बहुत अच्छा था नौकर बन के एंटर कर जाते हैं हाँ नौकर बन के जैसे बावर्ची मूवी है और गोविंदा के हीरो नंबर वन है काइंड ऑफ वैसी एंट्री रहती है इसमें आज का सीन भी काफ़ी ड्रामा है मतलब बूंदी और शंभू की शादी हो रही है हाँ ड्रामा तो है एक्चुअल में होता ऐसा है कि बूंदी मुझे धमकाती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है तुम्हारा उसको मैं मार दूंगी अगर तुमने अगर सबको सच बताया तो उस डर से मैं छुपा लेता हूँ और महुआ के सामने झूठ बोलना पड़ता है मुझे कि महुआ झूठ बोल रही है तो बूंदी ने मुझे फंसा लिया इन सब बातों में तो बस यही सब दिक्कत है कितना एंजॉय कर रहे हैं शो अभी एंजॉय तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ जैसा कि दंगल का ये नंबर वन शो बन चुका है ये सब मुझे पता चला तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ये जानते हुए कि नंबर वन बनने के बाद मेरी वापस से एंट्री हुई है तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है अधिराज और तेजो एक और नई एंट्री है जो मुझसे मेरे बाद में वो आए थे तो अधिराज वैसे शंभू का बायोलॉजिकल ब्रदर है तो आगे इनके साथ मेरा भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है इनके साथ बातचीत मेरी ज़्यादा हुई नहीं है बट आगे अब शायद अच्छे से होगा क्योंकि अधिराज भी अब पॉजिटिव हो चुके हैं तो देखते हैं आगे अधिराज और राधे की क्या बॉन्डिंग क्रिएट होती है महुआ और शंभू तो मुझे लगता है अभी भी उनके बीच में तनाव छिड़का ही हुआ है और अब मेरी वजह से जब मैं बता दूंगा कि महुआ झूठ बोल रही तो और ज़्यादा छिड़क जाएगा तो अभी तो काफ़ी तनाव रही थी इन दोनों के लिए बाकी आगे देखते हैं आगे क्या होता है ओके थैंक यू